डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, थायराइड और इनके साथ जो हमारा लिंक है वो क्या है, मोटापा, ओबेसिटी। सबसे ज्यादा हम वेस्टर्न डाइट्स को फॉलो कर रहे हैं इसलिए। अब इससे वेट कैसे कम होगा, कुछ आइडिया? इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मसल्स गला देगा। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती है जो मसल्स को गला देती है। क्या कर देती है? मसल्स। और एक मसल सेल बनने में 15 साल लगते हैं। होता क्या, जब वो खाते तो उनका इमीडिएट लॉस हो जाता है, 8 से 10 किलो, वो बहुत खुश हो जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन जैसे वो छोड़ते हैं उसके बाद उनका वेट और वीकनेस अलग बनी रहती है। तो फ्रेंड हम इसमें नहीं जा सकते। अब इस चीज को समझना आपको, इस चीज को, ये क्या करता है, आप पूरे दिन में जो खाना खाते हैं वो कैलोरीज के ऊपर गेम है सारा। अगर मैं बोल रहा हूँ 1500 1500 1500, तो रात का कैलोरीज ज्यादा होता है। रात को हम कौन सा खाना खाते हैं मैम? नाम मैम, नाम मोहित मैम, रात को हमारा कौन सा खाना होता है, क्या बोलेंगे हम उसको? शाही भोज। ये तो हम सब जानते हैं ना, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। फिर भी मैम, तब भी हमारे यहाँ पे रोज लड़ाई है, शाही भोज, समझ रहे? अब शाही भोज मतलब मैम लगा दीजिए 2000 कैलोरीज कहीं नहीं गया जो हम खा रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो इसका एक चम्मच है वो आपको 250 कैलोरी देगा। कितना कैलोरी? 250 कैलोरी। लेकिन समझना, वो 2000 और इसी के 200 कैलोरी, 250 कैलोरी, वो 2000 कैलोरी देगा। लेकिन उस कैलोरी में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ फूड। न्यूट्रिशन क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। और इसमें न्यूट्रिशन क्या है? ऑलमोस्ट 100%। यानी इसके अंदर वो सब कुछ है जो आपके खाने की थाली में होना चाहिए। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन, एवरीथिंग इज देयर इन दिस डाइट। तो ये जो आपका एक खाने का जो कमी है, हमने उसको क्या कंट्रोल कर दिया। अब आप 2500 की जगह 2000 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे, तो यानी महीने की 60,000 कैलोरी आपने इंटेक उसको कम कर दिया, यानी उतना फैट आपका बना नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली 5 से 6 किलो वजन और आप वीक भी नहीं थी, रिप्लेस करना होगा। आपको जो खाने से एनर्जी ताकत जो चाहिए, अगर आप रात को खाना खाते, अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है कि सुबह उसके अंदर का सिर दर्द होता है, तो आपकी किचन आपका जान लेने की बहुत जरूरी है, बहुत जान लेने की। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, यानी उसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये वो चीज फर्स्ट डे ही चीजों कर देगा। आपकी मॉर्निंग सिकनेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपका जो न्यूट्रिशन का गैप है वो बन गया। लास्ट 1 मिनट एंड सेशन ओवर। आप किसी के पास जाओ और वो क्या बोलेगा, कैसे कैसे उसको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, छोटी चीज है। इन सब के सारा जरूरी चीजें बता रहे हैं। मैम पूरे दिन में कितने ग्लास पानी पीते हो? जल्दी 9 ग्लास, 4-5 ग्लास, 4-5 ग्लास सबका हो गया। कितने ग्लास? 8-10 ग्लास, 6-7 ग्लास, 2 लीटर, 1 लीटर। अब आप समझना, लास्ट में समझना प्रॉब्लम कहाँ है। आपके घर में अगर आप चाहते हैं कभी भी किसी को कैंसर ना हो, डायबिटीज ना हो, हार्ट की वो ना हो, क्योंकि थोड़ा तो मैंने बता दिया लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपकी बॉडी के लिए, हम एक न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, छोटी सी, पानी। क्या इम्पोर्टेंस है उसका समझना। मैम ने बोला मैं 8 से 9 ग्लास पानी पीती हूँ, मैम बोला मैं 4 से 5 ग्लास पीती हूँ। वैसे पूछना नहीं चाहिए, जनरल मैम वेट